एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय में शनिवार को कैरियर प्लेसमेंट सेल व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रशिक्षु आईएएस निवृत्ति सोमनाथ मुख्य वक्ता रहे। सोमनाथ ने छात्राओं को उनके कैरियर के विकल्प, सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, महिलाओं के आर्थिक संबल की संभावनाओं आदि की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जज्बा व जुनून में सफलता मिलती है। जीवन में बड़ी सफलता के लिए कामयाबी की जिद होनी चाहिए। साथ ही बड़े सपने देखो और फिर उसे पूरा करने में लग जाओ। उक्त विचार एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर के राष्ट्रीय सेवा योजना, राजनीतिक विज्ञान विभाग और कैरियर प्लेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार में प्रशिक्षु आईएएस अवहार निवर्त सोमनाथ ने व्यक्त किए। इस सेमिनार में महाविद्यालय की स्नातक व स्नातकोत्तर की सैकड़ों छात्राओं को संबोधित करते हुए आईएएस निवर्त सोमनाथ ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर व्यू रचना, पुस्तकों की सूची, अध्ययन का तरीका आदि मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि एक समय में एक ही परीक्षा की तैयारी करें, साथ ही जो पढ़े उसके सेल्फ नोट्स बनाए, अपनी कमजोरी को मानना चाहिए और गलती में सुधार करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। अंग्रेजी को आवश्यकता के लिए सीखना है, स्टेटस सिंबल नहीं बनाना है। NCERT पुस्तकों से अपनी नींव मजबूत करके फिर उच्च स्तरीय पुस्तकों में पढ़ना है। साथ ही आईएएस निवर्त ने बताया कि सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा समय बर्बाद करने के स्थान पर अपने लक्ष्य को ही अपना जुनून बना ले तो जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं। छात्राओं पवनी, प्रेमी, ज्योति, तनु, चेतना आदि ने कैरियर से संबंध में प्रश्न पूछते हुए अपनी साझा की, जिसे आईएएस श्री निवृत्ति ने अपने जवाबों से संतुष्ट किया। आप सोचोगे कि मुझे इंग्लिश ग्रामर फिर से शुरू करना है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस से शुरू करना है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट ओनली बट आल्सो ये सबसे शुरू करो। इससे फायदा क्या होगा आपको, एक भी प्रोसेस ही है, सालों के लिए, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आगे सीखता रहता है। सालों के लिए 12-15 सालों में हमने उद्देश्य का भी फोकस नहीं किया, बल्कि आपसे मुझे लगता है फिफ्थ स्टैंडर्ड से हर बुक का पहला पढ़ना होता। सेमिनार को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर हुक्माराम चौधरी ने कहा कि सतत मेहनत, धैर्य व दृढ़ संकल्प होकर अपना अध्ययन कर छात्राओं को सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही जीवन में आने वाली असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे आगामी सफलता से पहले की सीढ़ी है। सेमिनार को प्रोफेसर मांगीलाल जैन, प्रोफेसर डायलाल सागला, प्रोफेसर पूरा राम, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार बोहरा, प्रोफेसर विजय कुमार, प्रोफेसर लक्ष्मी चौधरी, हरीश कुमार, अंकिता वर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष स्वाति चारण, उपाध्यक्ष पूजा जांगिड़, महासचिव गोदावरी सिंगारिया आदि ने भाग लिया।